सभी छात्रों, आज जो इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न प्रेषित किए जा रहे हैं वो टेलीग्राम ऐप पर इसके प्रश्न और उत्तर दोनों प्रेषित किए जा चुके हैं, ठीक से देख लेंगे। अगर अभी आपको सुनने में कहीं दिक्कत होगी तो उसको देख कर पढ़ लेंगे, उसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है। हालांकि अभी जो व्याख्या होगी, व्याख्या तो उसमें लिखित नहीं मिलेगा लेकिन आंसर जरूर मिल जाएगा। तो आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले उसका टॉपिक सुन लिया जाए और उसे संदर्भित करीब 18 प्रश्न है, तो वो तो क्वेश्चन मिल जाएगा विधेंसर साहब को। अभी लिखा जाए पहला प्रश्न इसमें है, पहले तो टॉपिक लिख लिया जाए प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। इतिहास के जो चार भाग है आपको बताया जा चुका है, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशियंट इंडिया जो प्राचीन भारत है उसके जो आधुनिक लेखक है उनका जो नजरिया है प्राचीन इतिहास पर, उस पर प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका है और अंग्रेजों के शासन के दौरान जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं अंग्रेजों ने पहले की उसके बाद भारतीयों ने की उससे संदर्भित है। तो आइए पहला प्रश्न पहले लिखा जाए, प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान किस सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक कॉलोनियल, उपनिवेशवाद जिसे कॉलोनिज्म होता है, तो औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। यहाँ कैसे शासन संचालन किया जाए इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। तो किस शताब्दी के उत्तरार्ध, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है और उनका शासन जो शुरू हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध जीतने के बाद 1765 से लगभग बंगाल और बिहार उनका शासन प्रारंभ हो गया था। तो इसका है किस सदी के उत्तरार्ध में, निकल के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। एक होता है उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध, तो 18वीं सदी तो 1700 से शुरू हो जाएगा और उत्तरार्ध है तो इसका मतलब कि 18वीं सदी का उदाहरण यानी 1750 के बाद। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई उनकी थी और उस युद्ध में वो जीत गए थे और उसके बाद उनका शासन 1765 से बिहार बंगाल उड़ीसा में प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वे पूरे देश में शासन करने लगे। तो इसका लिख लिया 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1750 के बाद। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक प्रमाणिक को अंग्रेजी में होता है ऑथेंटिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से और कब किया गया। मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के काल में मनु द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुंग काल की रचना मनुस्मृति, किस नाम से अंग्रेजों ने और कब किया था। तो मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटिल लॉज के नाम से 1776 में किया था। इसको याद कर लिए, कोड ऑफ जेंटिल लॉज, कोड का अर्थ है संहिता, कोड का अर्थ होता है संहिता। ऐसे भी भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उसके नाम के अंत में संहिता जोड़ा गया, ऐसे ऋग वेद संहिता, साम वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, तो यहां भी कोड ऑफ जेंटिल लॉज या कोड का अर्थ होता है संहिता। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशिया में उनका शासन हुआ तो एशिया के लोगों की सभ्यता और संस्कृति समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया, कहाँ किया गया। तो इसका उत्तर लिखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स सिविल सर्वेंट में थे, तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था, जब उनका शासन यहाँ हुआ, स्थापना हुई तो स्थापना हुई तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए उन्होंने इस तरह की सोसाइटी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना और कालिदास की रचना है। क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा और कब किया गया, किसके द्वारा और कब किया गया। तो इसका उत्तर होगा सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, उन्होंने इसको अंग्रेजी में, इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1789। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिस तरह से शेक्सपियर का मान यूरोप में है, खासकर इंग्लैंड में है, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में जो इस नाटक को लिखा वो काबिले तारीफ है और भारत के विद्वानों में, संस्कृत विद्वानों में नंबर एक स्थान कालिदास का ही माना जाता है। कालिदास पर अनेक चर्चाएं होगी, वो बाद में जो इतिहास का विशेष रूप से चलेगा तो उसको चर्चा कराएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ
भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा और कब किया गया? भगवत गीता, महाभारत में भगवत गीता जो है वो एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश अर्जुन को दिया था, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महात्मा गांधी एक धर्म प्राण हिंदू थे, उनके हाथ में गीता और मुंह में राम रहता था, अंश में उन्होंने राम का उच्चारण किया था, हाथ में गीता और मुंह में राम, तो बहुत महत्वपूर्ण कर्म का संदेश है गीता। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया ये प्रश्न है। सर विल्किंस ने किया था 1785 में, याद कर लिया है, अंग्रेज सर विल्किंस ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया 1785 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तथा लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई? बंबई में, अगला में तो हो गया, बंबई में भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया और ग्रेट ब्रिटेन में भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, इसका डेट याद रखना है। तो इसका डेट है, बंबई वाला का लिख लिया 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन का लिखा जाए 1823 में। एशिया महादेश के लोगों की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए संगठन की स्थापना की थी, ये बात जानना जरूरी है। अब कोई पूछ रहा है कि इसकी स्थापना क्या उद्देश्य था, तो एशिया महादेश के लोगों के, चूंकि पूरे एशिया पर लगभग उनका शासन हो गया था अंग्रेजों का, और यहाँ के लोगों के समझने के लिए सभ्यता संस्कृति रहन सहन, उनको तो शासन करना था, यहाँ के धन को लूट के अपने देश में ले जाना था, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को डिवाइड एंड रूल, कैसे लोगों को आपस में बांटे, कैसे शासन करें आदि आदि, कैसे लोगों को मोबिलाइज करें आदि। अगला है, किसने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती जुलती है? जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती जुलती है, तो इसका उत्तर बिल्कुल विलियम जोन्स ने इसको प्रूव किया था कि यूरोपीय भाषाएं और ईरानी भाषाएं जो अंग्रेजी से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्या, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो विद्या है, भारत का जो रहन सहन है, तो भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया और उनका अधिकांश जीवन कहाँ बीता? तो भारत की सभ्यता संस्कृति को बहुत लोगों ने बहुत ही लाइक किया, खासकर यूरोप के रहने वाले बहुत लोगों ने लाइक किया, तो जर्मनी के एक महान सपूत थे मैक्स मूलर, मैक्स मूलर महोदय ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बहुत गहराई से यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बारे में बहुत सारे कई पार्ट में यहाँ के ग्रंथों को उन्हें उनके संपादक में रचना की गई और उनका अधिकांश समय इंग्लैंड में बीता। कहाँ बीता? इंग्लैंड में बीता। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा, कब लिखा और यह पुस्तक किस नाम से प्रकाशित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिस्टमेटिक हिस्ट्री, भारत का सबसे पहले किसने लिखा? विंसेंट आर्थर स्मिथ, शॉर्ट में आता है बी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ, इसको याद कर लेंगे क्योंकि प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति विंसेंट आर्थर स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद साम्राज्य फैलाया था और उन्होंने अपने को कहा कि नहीं भाई, इन लोगों को शासन करने नहीं आता, हम ही शासन ठीक से करते हैं, हालांकि उनका शासन नहीं था, उनका पूरा का पूरा कुशासन था, उनके शासन करने का एकमात्र उद्देश्य था जहां भी उन्होंने शासन किया वहां के धन को निचोड़ करके अपने धन अपने देश में ले जाना है, उनके शासन का उद्देश्य था, बेटरमेंट ऑफ द पीपुल नहीं था, बेटरमेंट ऑफ द रीजन नहीं था, उनका था कि टू प्लंडर ऑफ द वेल्थ, धन को कैसे लूटा जाए और धन को अपने देश में कैसे। एनीवे, तो यहाँ प्रश्न है कि साम्राज्यवादी था विंसेंट आर्थर स्मिथ का, बताएं कि उनकी पुस्तक के लगभग एक तिहाई भाग में किसके आक्रमण का वर्णन किया गया है? उन्होंने जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा तो उसके एक तिहाई भाग में सिकंदर के आक्रमण का वर्णन कर दिया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 बीसी में हुआ था, खैबर दर्रा होते सिकंदर भारत में आया था और इसके बारे में डिटेल बताएंगे, हिस्ट्री वाले जो चलेगा उसमें बताएंगे उनका आक्रमण हुआ तो कैसे भारत पंजाब के कुछ भागों को जीत लिए, लगभग पंजाब को जीत लिए थे लेकिन शेष भाग को नहीं जीत पाया था, फिर भी उसको दुनिया का विजेता कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का रहने वाला था, तो यूनान जो सिकंदर यूनान का रहने वाला था उसके आक्रमण के में उसके आक्रमण का ही मूलतः उस पुस्तक में वर्णन किया गया है, उसको विजेता बताया कि भाई यूरोप का था वो पूरे दुनिया का विजेता बना। अगला प्रश्न है, प्राचीन परंपरा, भारत की जो प्राचीन परंपरा, परंपरा मतलब रहन सहन सभ्यता और संस्कृति, सॉरी प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी राजेंद्र लाल मित्र ने
कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए। बताएं कि इनमें कौन सी मुख्य पुस्तक उन्होंने लिखी। वैदिक ग्रंथ में सबसे पहला आता है ऋग्वेद। भारत की सभ्यता संस्कृति को वैदिक संस्कृति माना जाता है, उसमें पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वैदिक संस्कृति पर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, तो उनके उसमें से मुख्य पुस्तक उन्होंने कौन ली, जो राजेंद्र लाल मित्र ने, और उसका आंसर है एंडो एरियंस। बहुत तर्कवादी थे, बहुत लॉजिकल उनकी रचना है, और उन्होंने लिखा एंडो एरियंस नामक रचना उनकी है। अगला प्रश्न है पांडुरंग बामन काने, महाराष्ट्र के प्रकांड पंडित, संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए, सोशल रिफॉर्मर। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उनकी रचना का नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, कितने खंडों में प्रकाशित है। बहुत संस्कृत के महान उभर विद्वान हुए हैं, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को उन्होंने पांच खंडों में वो प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया तथा ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये दोनों पुस्तक के रचनाकार कौन है। साउथ इंडिया दक्षिण भारत, देखिए भारत इतना विशाल देश है, इसमें एक चीज जानना है, दक्षिण भारत होगा आपसे तो पूछा बहुत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे तो भारत उत्तर से दक्षिण करीब 3214 किलोमीटर, और बीचों बीच बिंद पर्वतमाला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो बिंद पर्वतमाला के दक्षिण के भाग को दक्षिण भारत और बिंद पर्वतमाला के उत्तर को उत्तर भारत कहते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास, द्रविड़ियन कल्चर है, तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में ये नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है, दोनों पुस्तक को ये नीलकंठ शास्त्री। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का डिमार्केशन है, उसको जरूर जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न लिखा जाए 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक प्रसिद्ध रचना किसने की। हिंदू पॉलिटी भारतीय, हिंदू पॉलिटी, पॉलिटी राज व्यवस्था से मतलब है, इसका उत्तर के पी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक रचना की, बस 1924 में लिखा था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर सिविल सर्विसेज वाले भी इस किताब को पढ़ना मुनासिब समझते हैं, जो बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति खासकर धर्म और रिलीजन के बारे में अगर समझना है तो इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और उस किताब का नाम है वंडर दैट वाज इंडिया, हिंदी में होता है अद्भुत भारत। तो वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत हिंदी में, नामक प्रसिद्ध रचना में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। यह रचना किसकी है तथा यह रचना कब की गई। संस्कृत विद, मैंने संस्कृत के विद्वान है, तो संस्कृत विद एल बाशम की रचना है, और यह रचना 1951 में प्रकाशित हुई थी। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबको जानना है और इस किताब को अध्ययन भी करना है। अभी जो भी आप पढ़ते हैं, देखिए पढ़ाई क्या है, टीचर थोड़ा बहुत आपको गाइड करेगा, सबसे अधिक तो आपको खुद को तैयार करना है। जितना आप गहराई में गोते लगाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, कहा जाता है सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको ज्ञान वर्धन होगा। ऐसे तो थोड़ा सा आपके मन के मान बुद्धि विकास के लिए कुछ हम देते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे आपकी रुचि बनी रहती है। तो एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं, उसकी भी चर्चा हो जाए। अगला प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक रचना किसकी है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक रचना किसकी है, और यह रचना कब की है। डीडी कौशाम्बी की है, और 1957 में इसको किया गया था। एंशियंट हिस्ट्री का उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया है। और एक किताब और है, वो किताब है एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन नामक रचना किसकी है और कब की। यह रचना भी डीडी कौशाम्बी की है, लेकिन यह रचना 1965 की, दोनों रचना उन्हीं की है। पहली रचना जो है 1957 की है, और दूसरी रचना 1965 की है। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, मैक्स मूलर जर्मनी के महान विद्वान थे, जर्मनी के थे, इंग्लैंड में अधिकांश समय उनका बीता, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बहुत ही उनकी रुचि था। तो अंतिम प्रश्न है मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया, ये अनुवाद सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो ये है 50 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं। बहुत विशाल मात्रा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ग्रंथों का उन्होंने एक जगह पर कलेक्शन किया है। तो आज बस इतना ही प्रश्न है और उसके उत्तर दिए गए।